मंदिर देख के तो हमको एक ही पहले तो ख्याल आएगा। हम उकाई डैम पे आ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम नाइट को लॉन्ग ड्राइव पे निकलने वाले हैं। अभी यहाँ से तो 4 बाइक है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में सारी डिटेल्स दूंगा, तो अभी निकलते हैं। रात के 2 बजे हैं, तो अभी आहिस्ते निकलेंगे। नीलेश पटेल। अभी हमने यहाँ पे फ्यूल भरवा लिया है यहाँ से, तो फुल हो गया, तो अभी निकलेंगे यहाँ से वासदा 11। तो यहाँ से 200 किलोमीटर है, तो पूरी रात राइड होगी। पूरी रात तो नहीं, 2 बजे हैं अभी, 2:30 बज चुके हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, 4 बाइक है। गाइस, अभी हम धर्मपुर से वासदा आके रुके हैं, तो फर्स्ट टी ब्रेक लिया है। 200 किलोमीटर काटना है, तो धर्मपुर से वासदा से उन्नाई से होके मांडवी से आगे जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारी टुनटुन और टी ब्रेक लिया हुआ है यहाँ पे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. तो हेलो फ्रेंड्स, बजे है सुबह के 6 और यहाँ से 50 किलोमीटर बाकी है। उमरपाड़ा पहुँचे हैं, तो अभी यहाँ सुबह हो चुके हैं। चाय पीने के लिए थोड़ी देर रुके हैं। ये नीलेश पटेल, मेरी टुनटुन और ये सब। हम जाने वाले हैं देवमोगरा। यहाँ से उमरपाड़ा देवमोगरा जाके वहाँ माता के दर्शन करेंगे। अभी सुबह की चाय, और ये नीलेश चाय नहीं पीता है, ये सिर्फ स्नैप पाड़ता है। किरण, देवमोगरा, जो हमारे आदिवासियों की देवी माना जाता है, संसरी। तो यहाँ पे है, यहाँ से अंदर जाएंगे। काफ़ी जंगल में से होते हुए आए हैं, बड़ा मज़ा है। रास्ता पे काफ़ी खूबसूरत था, तो अभी बाइक वहाँ पे पार्किंग में लगा दिया है। और यहाँ का नज़ारा, और वहाँ से जाएंगे दर्शन के लिए। और आगे हमारे साथ हम अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं लाइन में। यहाँ से ये सारी दुकानें हैं, तो अभी ये सब दुकान फूल प्रसाद बिकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आगे जाएंगे, तो अभी दर्शन के लिए लाइन में जा रहे हैं अंदर।
अभी हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर में दर्शन कर लिए अभी। तो ये हमारे आदिवासी लोग, हम आदिवासी हैं तो हम आदिवासियों की ये कुल देवी है, वो बोलते हैं ना कंसई, तो वो यहाँ पे है, उसका मेन मंदिर देव मोगरा। तो अभी दर्शन करके बाहर निकले हैं, अभी थोड़ा सा घूमेंगे। बहुत ही अच्छा सुकून मिला दर्शन करके। तो ये अभी वहाँ नारियल चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। नेपाल में ही होगा, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा मंदिर होता है। ये हम आदिवासी के कुलदेवी का मंदिर है देव मोगरा, जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। और आप लोग आना चाहते हो तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आगे की जानकारी हमारे साथ जुड़े रहिए। आम का पेड़ है, हमारे गुजरात में काफ़ी सारे आम खाने को मिल जाते हैं इस सीजन पे। और वो हिरन फोटो खिंचवा रहा है नीलेश और प्रीतेश। गाइस हम अभी मंदिर के दूसरे वाले हिस्से में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कैसा है नज़ारा, उधर से भी थोड़ा देखेंगे। और मंदिर की लेयर अच्छी तरह से बनाई गई है, दिखता है तो बहुत ही खूबसूरत। ये पीपल का पेड़ है यहाँ पे। तो अभी दूसरी ओर जाएंगे, मंदिर के दूसरी साइड से आ गए हैं यहाँ से, ये देखो। गाइस हम आए थे तब यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, अब देखो ये लाइन हो गई। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे, ये देखो कहाँ तक लाइन आ गई। हम आए थे तब यहाँ पे लाइन नहीं थी, तो अभी शांति से दर्शन कर लिए, तो अभी निकलेंगे यहाँ से धीरे धीरे। एक और जगह नहीं मिल गए है तो वहाँ थोड़ी देर देखने के लिए जाएंगे यहाँ से। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं। तो अभी दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस अभी हम उकाई डैम पहुंचने वाले हैं, 15 मील बाकी है और ये घाट सेक्शन शुरू हो गया है।
तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है और घना जंगल जंगल जिधर देखो उधर जंगल के जंगल है और पहाड़। तो गाइस ये तापी नदी है और हम उधर जाने वाले हैं और हाँ उकाई का डैम बन रहा है अभी तैयार हो रहा है हम उधर जाएंगे उधर व्यू पॉइंट है। हम ये उकाई डैम पे आ गए हैं अभी ये फ्रंट व्यू है यहाँ से दिख रहा है पूरे रिवर। अब हम नीचे जाएंगे यहाँ से पानी की गहराई देखेंगे। गाइस यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट हुआ है तो वो हो गया है अब यहाँ से जाएंगे ये उकाई डैम और अभी यहाँ से जाएंगे तो निकलते हैं। फोन में भी चार्ज खत्म हो रहा है तो जल्दी से जल्दी अब घर के लिए निकलेंगे। 150 किलोमीटर काटना है अभी तो 2 बज गए हैं अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम यहाँ उकाई से निकले हैं सोनगढ़ जाएंगे व्यारा से उनाई उनाई से वास्ता पे स्टॉप लेंगे। तो अभी ये व्यू देखते हुए निकलते हैं अभी जेके पेपर लिमिटेड। तो गाइस ये रहा अपने सोनगढ़ का किला। हम आज बहुत सारा घूमाए और अभी शाम को यहाँ पे खाना खा लिया अब घर जाके सो जाएंगे। तो अभी घर निकलने वाले हैं यहाँ से वास्ता अभी 35 किलोमीटर काटना बाकी है तो देखते हैं आगे बने रहिए हमारे साथ। गाइस आज सारा घूम फिर के थक चुके हैं अभी तो आज का लोग अभी 7 बजे ख़त्म होता है। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल पर नए हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय।